बढ़ते आगे यूपी के हमीरपुर जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये शव अपने ही घर में अलग अलग कमरों में पड़े मिले। सानिया ने बताया कि शवों से दुर्गंध आ रही थी और इसी के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घटना यूपी के हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली की है। बताया जा रहा है कि मृतकों से शव करीब 5 दिन से जो है वो कमरे में ही पड़े थे। मौके पर पहुंचे इलाके डीआईजी के मुताबिक शवों के पास से खाने की थालियां भी पड़ी मिली हैं और कई तरह के पेट पर अंदरूनी निशान भी मिले हैं। इससे ये लग रहा है कि उन लोगों ने आत्महत्या की है, लेकिन फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में मुखिया, शिशुपाल और 3 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों के शव जो है वो संदिग्ध परिस्थिति में मिले हैं। जो आसपास के लोग थे उन्हें दुर्गंध जब आनी शुरू हुई तो पुलिस को वहां पर सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। देखिए, ये मौदहा कस्बे में ये कृष्णपाल और उनकी फैमिली रहती थी यहाँ पे, तो उनकी डेड बॉडी पाई गई है। डेड बॉडी से काफ़ी बदबू आ रही है, लगता है लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी ऐसा लग रहा है। अभी कोई जाहिरा चोट पता नहीं चल रही है, पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि हत्या है या कोई और कारण है या किस वजह से ये मृत्यु हुई है इनकी। तो फिलहाल जांच की जा रही है, ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो अंदरूनी चोट के निशान नजर आ रहे थे वाकई वही सच्चाई है या फिर ये मामला कुछ और है, हत्या की गई है या फिर ये जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि अलग अलग कमरों में यहाँ पर जो शव हैं वो मिले हैं और जांच टीम का ये कहना है कि शायद ये आत्महत्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो फॉरेंसिक माफ कीजिएगा जो अभी फिलहाल जांच हो रही है उसके बाद ही ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर साफ हो पाएगा कि आखिर यहाँ पर हत्या की गई है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने आत्महत्या की है। फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही जो ये पूरा मामला है पूरी तरह से साफ हो पाएगा। बताया जा रहा है कि जो मृतकों के शव हैं वो करीब 5 दिनों से उन कमरों में पड़े हुए थे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राफिस सिद्दीकी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राफिस, क्या कुछ जानकारी अभी फिलहाल शुरुआती जांच में मिल पा रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राफिस साहब? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही हाई मामला बन चुका है। इस समय पूरे अफरा तफरी का माहौल है। ये 7-5 लोगों की हत्या का जो मामला हुआ है ये इस तरीके से मौदहा में जिस तरीके से जो चलिए संपर्क इस वक्त नहीं हो पाया है, तो अभी जो फिलहाल शुरुआती जांच है वो की जा रही है और जैसे ही फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं साफ हो सकेंगी।